हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल गैबल टैरेट्स। टुडे हम एट दिस वीडियो फॉर एरीज जोडिक साइन, जिनका जोडिक साइन एरीज है, मेष राशि के जातकों का 1 अगस्त से 15 अगस्त तक का समय कैसा जाएगा, 15 डेज कैसे जाएंगे एरीज राशि के, मेष राशि के जातकों का 1 अगस्त से 15 अगस्त तक का समय कैसा जाएगा, मैं जानना चाहूँगी अपने कार्ड्स के थ्रू। मेरे आसपास जो कुछ डिवाइन एनर्जी था, पॉजिटिव एनर्जी था, प्लीज़ मुझे बताएँ। अगर मैं एरीज राशि की बात करूं तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया है, आपकी इंट्यूशन इस वक्त बहुत अच्छी रहेगी, चीज़ों को पहले से ही आप भाप लेंगे और क्या सही है और क्या गलत है, इंट्यूशन वाला कार्ड आया हुआ है। दैट मीन्स कि इस वक्त आप बहुत समझदारी से काम लेने वाले हैं, ऐसा इस तरह का नेचर रखना भी ज़रूरी है आप लोगों के लिए। और जो सेकेंड कार्ड है, बहुत बोझा हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हो सकती हैं आप लोग के ऊपर अपने ऑफिस में या घर में। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो हो सकता है कि जिम्मेदारियां थोड़ी सी ज़्यादा रहें, या थोड़ा सा हो सकता है कि प्रेशर में आए और थोड़ा सा परेशान हो कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा काम आ गया है, इस तरह की चीज़ हैं। बहुत इमोशनल रहेंगे आसपास का जो एनवायरनमेंट है आपका, आप देखिएगा बहुत चीज़ों को लेकर इमोशनल होंगे। कोई चीज़ नहीं हो रही है या किसी या कोई अगर दुख में आप किसी को देख रहे हैं तो आप भी इमोशनल होंगे, इस तरह की चीज़ दिखा रहा है। एट यू शुड बी वेरी इमोशनल एंड यू विल गेट सम हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, एंड यू विल डू इट एंड यू विल डू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। एंड बहुत मैच्योरिटी चाहिए इन सब चीज़ों को करने के लिए। कहीं भी आप हाउस वाइफ हैं या आप घर के बाहर जाके काम करती हैं, वर्किंग लेडी हैं, या अगर जेंट्स हैं, जो कोई भी आपके कलीग्स हैं आसपास में, इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि आप अपने नेचर में मैच्योरिटी रखिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पर प्रोग्रेस का भी ये दिखा रहा है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ बहुत ही मैच्योरिटी और बहुत ही समझदारी के साथ अपनी पढ़ाई करिए। और इस वक्त दिखा रहा है कि किसी नई चीज़ की शुरुआत आप कर सकते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा इस वक्त आप लोगों का, न्यू क्रिएटिव चीज़ करने का आपको मन करेगा। आपकी अपनी हॉबी हो सकती है, कोई मन चाहा कोई काम हो सकता है, बिल्कुल करिए, स्टार्ट करिए, अच्छा समय है इस वक्त। और जो आपका लास्ट कार्ड आया है, इस वक्त बहुत कोशिश करिएगा कि किसी को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व मत करिएगा अपने और अपने लव मेट के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, या जो कोई भी आपके क्लोज पर्सन है उसके बीच में किसी थर्ड पर्सन की एंट्री यहाँ दिखा रहा है। तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा बातें उससे मत करने लगेगा, चीज़ें एक्सप्लोर मत करिएगा, कोई डिसीजन इंपॉर्टेंट है तो वो थर्ड पर्सन को मत बताइएगा, इस तरह की चीज़ें यहाँ दिखा रहा है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये कार्ड ये भी बताता है कि आप इस वक्त बहुत ही जॉली नेचर के होंगे और बहुत ही हसमुख नेचर रहेगा आपका, एक अच्छी चीज़ है। लेकिन बहुत ज़्यादा हसमुख हो जाएंगे तो वो भी मैं कहूँगी लिमिट तक करिएगा, कहीं ऐसा हो कि ना हो कि नुकसान हो जाए। तो आई थिंक कि मैसेज आपका 15 डेज के लिए क्लियर है। अब मैं आपके लव मेट के साथ कैसा रिलेशनशिप रहेगा, कोई नेगेटिव कार्ड के आपके लिए नहीं आया हुआ है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और मैं लव मेट के साथ आपका रिलेशनशिप देखना चाहूँगी, कैसा जाएगा आपका लव लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ कैसी जाएगी। जिस किसी व्यक्ति को भी आप सबसे ज़्यादा मानते हैं, जिस किसी व्यक्ति से आपका सबसे ज़्यादा आपका लगाव होता है, रहता है, फर्स्ट कार्ड बहुत अच्छा कार्ड आया है। आप देखते ही होंगे कि ये कार्ड जब वीडियो चलता है तो आप देखते होंगे ये कार्ड एक मदरली कार्ड है, जो कि टॉप मोस्ट का कार्ड है। बहुत अच्छा एक ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद है, ईश्वर कृपा दिखा रहा है आप लोग के ऊपर। मैं फिर से ये कह दूँ, कोई ख़राब कार्ड यहाँ पे नहीं आए हैं। और दिस कार्ड शोज़ दैट यू विल गेट द सपोर्ट फ्रॉम द एंजल्स, डिवाइन एंजल्स से आपको एक ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आपको सपोर्ट मिलेगा, आपका ऑरा अच्छा रहेगा। कोशिश करिएगा अपने अंतर्मन की आत्मा को ज़रूर जो है सुनिएगा। तो यहाँ पे जो एक मदरली फीलिंग होती है वो यहाँ दिखा रहा है, कोई जना आपको बहुत मदरली, एक मदर की तरह सपोर्ट करेगा। जैसे होता है ना, माँ हर तरफ से प्रोटेक्ट करती है अपने बच्चे को, इस तरह की चीज़ है जो कि आपको प्रोटेक्शन एंजल्स की तरफ से मिल रहा है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। कोई नया काम भी आप अगर शुरू करना चाहें, कुछ भी क्रिएटिव करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन बहुत अच्छा कार्ड है, किसी मुसीबत में आप पड़ सकते हैं, पढ़ते पढ़ते एंजल्स आपको बचा ले जाएंगे और यू विल गेट द सपोर्ट। एज यूजुअल आई हैव सेड, इन द रिलेशनशिप ऑल्सो यू विल सी दैट यू विल गेट द मदरली रिलेशनशिप, लव केयर बहुत दिखेगा आपको अपने पार्टनरशिप, अपने जो आपका पार्टनर है
जो भी आपकी वाइफ हैं या हस्बैंड हैं, आपको उनसे बहुत ज़्यादा एक लव, एक केयर दिखेगी आपको। और मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि आप भी उनके लिए उतना ही फीलिंग रखें। ये भी कार्ड ये भी कह रहा है कि जो कोई भी आपको सपोर्ट कर रहा है, आप उसको भी इन रिटर्न आप भी अपना लव और रिस्पेक्ट दिखाइए। और यहाँ जो सेकंड, जो थर्ड कार्ड है, सेकंड कार्ड तो ये था, सेकंड थर्ड कार्ड ये बता रहा है कि किसी की ब्लैक आई हो सकती है आपके लव मेट पे, आपके लव रिलेशनशिप में। कीप एन आई ऑन योर रिलेशनशिप, आंखें गड़ा के रखिए, कौन जाना जो है वो आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर सकता है। तो प्लीज़ वहाँ से हट जाइए या उस व्यक्ति से दूर चले जाइए, उस व्यक्ति से बात मत करिए या कॉन्टैक्ट मत रहिए तो ज़्यादा अच्छा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके कान भर दे लव मेट खिलाफ, इस तरह की चीज़ें दिखा रहा है। तो इस सब चीज़ों से आपको, जैसे कि मैंने बोला ना, इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी आपकी, तो आप बचा भी ले जाएंगे अपने रिलेशनशिप को। एक न्यू लाइट दिखा रहा है डार्कनेस से निकल करके, जैसे मैंने बोला ना कि डार्कनेस अगर आती भी है थोड़ी सी रिलेशनशिप में, देन यू विल एबल टू कम आउट फ्रॉम दैट डार्कनेस। आपको न्यू लाइट एक दिखेगी और एक नया उजाला आपको अपने रिलेशनशिप में दिखेगा, एक न्यू एनर्जी दिखेगी। आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर फॉर एरीज ज़ोडियक साइन। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।